हाँ तो सामाईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं आप सबका दीनी भाई अफ्फू खान यूपी इलाहाबाद से। सामाईन, आज इंशाल्लाह बात करेंगे वसीला की जो हकीकत है। तो जो वसीला मक्का के जो काफिर थे, जो मक्का के जो लोग थे जो शिर्क करते थे, वो वसीला जो वो लेते थे, वही आज के हमारे कुछ जो बिदती हैं, मुशरिक हैं, बरेलवी भाई हैं, हू बहू ऐसा ही वसीले को लेते हैं। तो आइए देखते हैं। अल्लाह सुबहानहु तआला सूरह ज़ुमर उसकी आयत नंबर 3 में कहता है कि सुनो, अल्लाह ताला के लिए ही खालिस इबादत करना है, और जिन लोगों ने उसके सिवा औलिया बना रखे हैं और कहते हैं कि हम इनकी जो इबादत है वो सिर्फ इसलिए करते हैं कि जो ये बुज़ुर्ग हैं ये अल्लाह के करीब हमको पहुँचा देंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, इबादत करते हैं। गोया ये जो वसीला है, अगर हम किसी ऐसी चीज़ का वसीला लेते हैं जो अल्लाह सुबहान व तआला ने या अल्लाह के नबी ने नहीं बताया है, और हम उसको अपनी अकल से समझ लेते हैं कि ये तो वसीला है, तो गोया ये इबादत है जो कि बिल्कुल शिर्क है। शिर्क क्यों? अब लोग कहेंगे नहीं, इसमें तो आया है कि अल्लाह ताला के लिए ही खालिस इबादत करना है, और जिन लोगों ने उसके सिवा औलिया बना रखे हैं और कहते हैं कि हम इनकी जो इबादत है वो सिर्फ इसलिए करते हैं कि जो ये बुज़ुर्ग हैं, ये नेक लोग हैं, ये अल्लाह के हमको करीब पहुंचा देंगे, तो यहाँ तो आया है कि हम इनकी इबादत सिर्फ इसलिए करते हैं। तो ये जो हमारे मतलब जो बरेलवी भाई हैं वो ये कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हम तो इबादत अल्लाह की करते हैं। ये जो हमारे जो बाबा हैं, ये पीर बाबा औलिया अल्लाह, ये तो हमारे वसीला हैं, ज़रिया हैं, हम डायरेक्ट अल्लाह तक कैसे पहुंच सकते हैं? तो हम इबादत हम नहीं करते। मक्का के जो मुशरिक थे वो तो इबादत करते थे, इसलिए अल्लाह ने उनको अपने आखिरी कलाम में बोल दिया कि ये शिर्क करते हैं। लेकिन हम शिर्क कहाँ करते हैं? हम तो इबादत अल्लाह की करते हैं। तो आइए इसका जवाब सुन लीजिए अगली ही आयत में, सूरह यूनुस आयत नंबर 18 में। और ये लोग अल्लाह को छोड़कर ऐसी चीज़ों की इबादत करते हैं जो ना उनको नुकसान पहुँचा सके और ना उनको फ़ायदा पहुंचा सके, और कहते हैं कि जो ये हैं ये अल्लाह के सामने हमारी सिफारिश करने वाले हैं। आप कह दीजिए कि क्या तुम अल्लाह को ऐसी बातों की जो बात होती है, खबर होती है, वो देते हो जो अल्लाह सुबहानहु तआला नहीं जानता ज़मीनों में और ना आसमानों में? वो तो पाक है और बरतर है उन लोगों के शिर्क से। शिर्क यहाँ पे आ गया। अब देखिए, पहली आयत में जो मैंने पढ़ी थी सूरह ज़ुमर उसकी आयत नंबर 3 में कि और जिन लोगों ने अल्लाह के सिवा औलिया बना रखे हैं और कहते हैं कि हम इनकी इबादत सिर्फ इसलिए करते हैं, इबादत। अब बरेलवी लोग कहते नहीं नहीं, हम इबादत हम नहीं करते, हम तो वसीला लेते हैं, सिफारिशी लेते हैं। तो ये देखिए, जो मेरे भाई जो मक्का के मुशरिक थे, वो जो लेते थे वसीला, उसको अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है शिर्क, यानी कि इबादत। क्यों? क्योंकि और कहते हैं कि ये अल्लाह के पास, ये अल्लाह के सामने हमारी सिफारिश करने वाले हैं। आप कह दीजिए कि क्या तुम अल्लाह को ऐसी बातों की खबर देते हो जो वो माज़ल्ला नहीं जानता था? अस्तगफिरुल्लाह। तो गोया जो आज के बरेलवी लोग जो ये लोटा बाबा और खोटा बाबा और मटका बाबा और गलहरी बाबा और पता नहीं कौन कौन से बाबा को अल्लाह की राह में अपना वसीला बना रखे हैं, वो वसीला कुरान की आयतों से बिल्कुल नाजायज़ है, हराम है, बिल्कुल शिर्क है, शिर्क। अल्लाह सुबहानहु व तआला हम सबको हिदायत दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।